नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेफ पीयूष और एक और बेहतरीन रेसिपी के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल और पेज पे। आज की रेसिपी है कतलम्मा। तो चलिए पहले इसकी सामग्री देखते हैं, फिर इसके बारे में आगे जानेंगे। तो ऐसे तो हमारे देश में इतनी सारी फ्राइड चीज़ें हैं जो छोले आलू सबके साथ खाई जाती है, उन्हीं में से एक विचित्र रेसिपी है कतलम्मा। तो हमने लच्छेदार पराठा खाया है, हमने फ्राइड फुला हुआ भटूरा खाया है, तो कहीं पे इन दोनों को मिक्स करके इस रेसिपी का इजाद हुआ था, ये मेरा मानना है। तो ये रेसिपी बेसिकली एक फ्लेकी फ्लैटन भटूरा है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं, फिर आगे इसके बारे में और जानेंगे। तो एक वेसल में जिसमें आपने आटा लगाना है उसमें मैदा ले लीजिए, उसी के साथ साथ नमक मिक्स कर लीजिए। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप आटा लगा रहे हैं या डो लगा रहे हैं, पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स ही मिक्स कीजिए। जैसे अगर इसमें अजवाइन डालनी होती तो अजवाइन डालिए, या कोई मसाला डालना होता मसाला डालिए। उसके बाद वेट इंग्रेडिएंट्स यानी कि पानी या तेल शामिल कीजिए, नहीं तो गोटी गोटी हो जाता है उसका, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही नमक और आटा मिल गया, धीरे धीरे पानी शामिल करना चालू कर दीजिए और आपको इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है। अब देखिए अच्छे तरीके से हमारा आटा लग चुका है, काफ़ी नरम है, तो अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ दूंगा। चलिए बेलने की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे एक पेड़ा बना दीजिए जो आपके हाथ में आता है अच्छे तरीके से, और पेड़े को मैदे में डस्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस रोटी जैसे बेलना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है कतलम्मे को। अगर आपका फर्स्ट सेकंड स्टेप में पतला बेल भी गया तो जो फाइनल हम रोलिंग करेंगे इसकी, उसको मोटा ही रखिए। जैसे ही आपका आटा अच्छी तरीके से बेल लिया आपने, जितना भी एक्सेस फ्लावर है उसको डस्ट कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें तेल की लेयर लगाने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें लेयर्स लाना चाहते हैं, यानी इसको फ्लेकी बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे लच्छा पराठा बनाते हैं उसी तरीके से आपको इसमें तेल को अच्छे तरीके से मल देना है। हर एक कोने में तेल डालिए ताकि इसके लेयर्स एक दूसरे से चिपके नहीं। और दूसरी चीज़, उसी के साथ साथ थोड़ा फ्लावर भी डस्ट कर दीजिए, सूखा फ्लावर यानी कि मैदा, ताकि और क्या बोलते हैं उसके अंदर डिफरेंस आ जाए लेयर्स के बीच, वो चिपके नहीं एक दूसरे से। तो उसके बाद आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए, आप इसे लच्छे पराठे जैसे फ़ैन की तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं, बट एक चीज़ हो सकती है उससे कि आपके लेयर्स ओपन हो सकते हैं तेल में जाते ही। तो अगर आपको उस चीज़ का डर है, इसीलिए मैंने ये तरीका बताया है। अब इसको दोबारा बेलेंगे और सिमिलर प्रोसेस वापस रिपीट करेंगे, फिर जो थर्ड टाइम हम इसको बेलेंगे वो चीज़ को फ्राई करेंगे। तो ये मेरा कतलम्मा तीसरी बार बेल के तैयार है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे मोटा रखा है, पतला नहीं रखा है। अगर पतला रखेंगे तो हो सकता है बहुत जल्दी तेल में जाके वो बाहर से क्रिस्पी होना चालू हो जाए। तो एक टेक्सचर होता है कतलम्मे का कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, वो तभी आएगा जब इसको प्रॉपर थिकनेस पे आप बेलेंगे। अगर बहुत मोटा हो जाएगा तो अंदर से काफ़ी कच्चा रह जाएगा, अगर बहुत पतला हो जाएगा तो पूरा क्रिस्पी पापड़ी जैसे बन जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, आप इसको अच्छे थिकनेस पे बेलें। मेरा तेल काफ़ी गर्म है तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है इसको पकाने के लिए। सिमिलरली जैसे आप भटूरा पकाते हैं वैसे ही इसको पकाना है। बट एक चीज़ देखिए, मैं इसको साथ साथ में काट रहा हूँ। काट रहा हूँ का मतलब है कि जितने भी अगर एयर बबल्स आ रहे हैं
ऑल्दो हमने बहुत सारे लेयर्स लगाए इसको, फिर भी एयर बबल्स आने जायज़ हैं क्योंकि तेल में स्टीम डेवलप होएगी कतलमे के अंदर और वो फूलेगा। तो आपका ये काम है कि आपको एयर बबल्स काटते रहने। तो बस अब हमारा कतलम्मा बना के तैयार है। तो इसको उत्तराखंड में बहुत खाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में खाया जाता है, इसको छोले के साथ सर्व किया जाता है जो कि मैंने भी किया है। तो छोले की रेसिपी हम आगे के वीडियोस में डेफिनेटली डालेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगा और हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए यूट्यूब पे और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हमारा आईडी है chef_with_a_tattoo। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस।